करते हैं। रूस में मकामी दहशत आलमी और मकामी दहशतगर्द तंजीमों पर आयद पाबंदी के हवाले से एक बिल पेश कर दिया गया। आपको बताते चले कि रूस में मकामी और आलमी दहशतगर्द तंजीमों पर आयद पाबंदी अभूरी तौर पर उठाने का बिल पेश कर दिया गया है, जिससे रूस की जानिब से तालिबान से ताल्लुकात मजीद बेहतर करने और ताउन बढ़ाने के राह हमवार होने का इम्कान है। रूस की पार्लियामेंट डूमा में बिल सेनेटर्स के एक ग्रुप ने पेश किया है। आपको बताते चले क्या एक बार फिर रूस और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए यह बिल पेश किया गया है और कानूनी मसौदे में कहा गया है कि ऐसी मकामी और गैर मुल्की तंजीमें जो दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल है उन पर पाबंदी अदालती फैसले की बुनियाद पर आरजी तौर पर उठाई जा सकती है। ताहम इसके लिए प्रोसिक्यूटर जनरल या इसके नायब को अदालत में ये दरख्वास्त पेश करनी होगी कि हकाइक की बुनियाद पर यह साबित हो गया है कि पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल इस तंजीम ने दहशत गर्दी को बढ़ावा देने, उसका जवाब पेश करने और इसमें मदद देने का अमल खत्म कर दिया है। रूस ने तालिबान को दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है और दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए यह इकदाम कलीदी अहमियत का हामिल माना जाता है। इससे पहले रूस की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी सरगाई शोगो ने अफगानिस्तान के नायब वजीर आजम अब्दुल गनी बरादर अखवन से अफगानिस्तान में बातचीत की थी और शोगोई ने रूस की जानिब से दो तरफ माशी और सियासी ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था और इशारा दिया था कि मास्को का इरादा है कि तालिबान को रूस की ब्लैकलिस्ट से निकाल दिया जाए। अब्दुल गनी बरादर ने इस जमन में शमाल जनूब इक्तिसादी राहदारी और खत्ते में माशी ताल्लुकात मजबूत बनाने का वादा किया था। रूसी कानून के तहत पाबंदी का शिकार किसी तंजीम पर से पाबंदी उठाई नहीं जा सकती। ताहम मुजवजा बिल मंजूर हुआ और अदालती फैसला जारी हुआ तो ये मुमकिन हो जाएगा। खत्ते में बदलती सूरतहाल के तनाजुर में अफगानिस्तान से मुतलिक रूस का एकदम सफारती लिहाज से भी इंतहाई अहम माना जाता है।